बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स क्लास 9th and 8 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 हम आज स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बता रहे हैं ए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करें जबकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो 38 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या हो -1 हो। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया है और यहाँ पे लिखा है टू फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। इसको फाइंड करने तो इसको फाइंड करने के लिए यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या है? ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अब हम इसको तो फाइंड करते किसको? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसको तो हम फाइंड करते, इसकी वैल्यू नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 38 प्लस 2 अपनी जगह पे। फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या है? -1 है। इसकी वैल्यू क्या है? -1। अब मजीद हम इसको सॉल्व करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 38 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 1 2। अब अगेन ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 38 माइनस 2 इज इक्वल टू 36। अब अगर आप देखें क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है? ए प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे इस पे तो स्क्वायर है। आपको पता है कि स्क्वायर किसके साथ खत्म होते हैं? स्क्वायर रूट के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर और इसके भी स्क्वायर रूट अंडर रूट 36 भी। तो यहां पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट के वैल्यू आपस में क्या होते हैं? कैंसल। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अंडर रूट 36 किसकी इक्वल है? 6 की इक्वल है। तो प्लस माइनस 6 की इक्वल। तो यह किस तरह इक्वल है? देखिए 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6 6 36। और आप इसको यू भी लिख सकते हैं 6 स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या होते हैं? कैंसिल होते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 भी इसी तरह है। वो आप लोग का होमवर्क है, आप खुद करें उसको। थैंक यू।